हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लोग कार्य और ऊर्जा के कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है यदि फर्श पर टकराने के बाद ऊर्जा में 40% की कमी आ जाती हो तो गेंद टकराने के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए ये क्या कहना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक गेंद है, मान लेते हैं इस गेंद का द्रव्यमान कितना है, m है, और ये अभी कितनी ऊंचाई पर है, ये अभी पृथ्वी के तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर की ऊंचाई पर ये गेंद है। इतनी ऊंचाई से इस गेंद को क्या किया, छोड़ दिया। जब छोड़ देंगे तो ये गेंद नीचे आएगी और फर्श से टकराएगी। तो बोलते हैं कि फर्श पर टकराने के बाद ऊर्जा में 40% की कमी आ जाती है। यानी अभी जो इस गेंद में ऊर्जा है, जब फर्श से टकरा जाएगी उसके बाद उस ऊर्जा में 40% की कमी हो जाएगी। यानी कि 100% जो एनर्जी है उसमें से 40% का लॉस, तो कितनी बचेगी, 60%। 100% में से 40% का लॉस हो जाएगा, कितनी बचेगी, 60%। यानी जो भी एनर्जी अभी है इस गेंद में, जब ये फर्श से टकराएगी तो टकराने के बाद इसके पास जो बचेगी एनर्जी, यानी जो ऊर्जा बचेगी, वो पहले का केवल 60% होगी। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, निश्चित रूप से फर्श पे जब ये गेंद टकरा जाएगी और टकराने के बाद ये गेंद पुनः जब ऊपर की ओर जाएगी तो अब ये उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो अब कम हो चुकी है। तो ये टकराने के बाद फिर कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं इसको। देखिए, गेंद के पास गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, जब ये 10 मीटर ऊंचाई पर है तो गेंद में कितनी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, 10 मीटर ऊंचाई पर गेंद की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या केवल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh। हमने आपको ये थ्योरी में पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई भी पिंड हो, अगर वो पिंड पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर होता है और इस पिंड का द्रव्यमान कितना होता है, m होता है, तो इस पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है वो होती है mgh। ये हमने आपको बताया हुआ है। तो जब ये गेंद 10 मीटर की ऊंचाई पर होगी तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी mgh। यहाँ पर हम h की वैल्यू कितनी रख देंगे, 10 मीटर, तो ये बराबर हो जाएगा mg/10 मीटर। यानी कि बराबर हो जाएगा 10 mg। क्योंकि ऊर्जा है तो मात्रक तो इसका क्या होगा, जूल होगा। तो इस तरह से जब ये गेंद हमने छोड़ी नहीं होगी, जब मैं इसको पकड़े हूँ कितनी ऊंचाई पर, 10 मीटर ऊंचाई पर, तो इसके पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, 10 mg के बराबर। अब होगा क्या, जैसे ही गेंद को छोड़ देंगे गेंद लगातार वेग को प्राप्त करेगी, यानी इसका वेग बढ़ता चला जाएगा। वेग बढ़ेगा तो कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। धीरे धीरे गेंद नीचे की ओर आएगी यानी स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो जैसे जैसे ये गेंद नीचे की ओर आएगी इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। राइट। जब ये पृथ्वी को स्पर्श करेगी, ये गेंद जब पृथ्वी को क्या करेगी, स्पर्श करेगी, टच करेगी, उस समय इसका जो वेग होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा होगा। और उस समय जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्या है, mgh। h मतलब क्या है, पृथ्वी
पृथ्वी तल से उस पिंड की ऊंचाई। जब ये पृथ्वी को स्पर्श कर जाएगी तो ये एच हो जाएगा जीरो, और जैसे ही ये एच जीरो होगा स्थितिज ऊर्जा भी उसकी जीरो हो जाएगी। तो आखिरकार ये स्थितिज ऊर्जा कहाँ चली गई है जो जीरो हो गई है? तो ये स्थितिज ऊर्जा किसके रूप में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा के रूप में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस पिंड की यानी जिस गेंद की, अभी यहाँ पे पिंड क्या है, गेंद है, तो जिस गेंद की स्थितिज ऊर्जा 10 मीटर ऊंचाई पर कितनी है? 10 mg जूल है। जब यही गेंद पृथ्वी से टकराएगी यानी कि फर्श से टकराएगी तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? 10 mg के बराबर हो जाएगी, राइट। अब होगा क्या, फर्श से टकराएगा तो 40% इसकी जो ऊर्जा है उसकी हानि हो जाएगी, यानी 10 mg जो इसके पास अभी ऊर्जा है इसका 40% हो जाएगा लॉस, यानी कितने परसेंट बचेगा? 60%। तो फर्श से टकराने के बाद गेंद की यांत्रिक ऊर्जा कितनी रह जाएगी? अभी 10 mg थी इसकी, ये 100% है, इसका कितने परसेंट रह जाएगी? 60%। क्यों? क्योंकि 40% का हो गया है लॉस, ठीक है ना। तो 10 mg का 60% बचेगा, कितना हो जाएगा? 10, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 mg इंटू 60/100, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 mg जूल, यानी फर्श से टकराने के बाद जो गेंद की ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? 6 mg होगी। अभी यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक शब्द लिख दिया है यांत्रिक ऊर्जा, ये क्यों लिखा है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, याद कीजिए जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी गतिज ऊर्जा भी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो सकती है, कब? जब उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाए। स्थितिज ऊर्जा भी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो सकती है, कब? जब गतिज ऊर्जा शून्य हो जाए। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इनका जो टोटल होता है, इनका जो योग होता है, वही होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो अभी आप देखिएगा, जब ये गेंद यहाँ पर होगी 10 मीटर ऊंचाई पर, तब तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी उस समय इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। लेकिन जब ये गेंद फर्श से टकराएगी उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा तो शून्य हो जाएगी, इसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। तो उस समय उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं गतिज ऊर्जा लिख देता तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते, इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना। इसको भी यांत्रिक ऊर्जा लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो फर्श से टकराने के बाद अब गेंद की ऊर्जा कितनी बची? 6 mg, पहले थी कितनी? 10 mg। अब ये 6 mg के कारण ये गेंद फर्श से टकराएगी और पुनः कुछ ऊंचाई तक ऊपर जाएगी, ये तो पक्का है कि अब ये 10 मीटर तक तो नहीं जाएगी, इससे कुछ कम जाएगी। तो कितना जाती है? तो हम मान लेते हैं कि अब ये गेंद यहाँ तक जाती है, यानी कितनी ऊंचाई तक? h- ऊंचाई तक जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये h- ऊंचाई पर जब जाएगी गेंद तो इसकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी यहाँ पर जाकर के वो 6 mg के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे, माना फर्श से टकराने के बाद गेंद कितनी ऊंचाई तक जाती है? h- ऊंचाई तक जाती है। तब
तब क्या होगा? तो देखिए, जब एम ये एच डैश ऊंचाई तक जाएगी गेंद, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? एम जी एच डैश, एम जी एच डैश। और ये किसके बराबर होना चाहिए? गेंद के पास ऊर्जा है कितनी? 6 mg। तो 6 mg, तो देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एच डैश इक्वल्स टू 6 m। तो हमारा आंसर निकल आया कि ये जो गेंद होगी वो फर्श से टकराने के बाद केवल कितनी ऊंचाई तक जाएगी? 6 m ऊंचाई तक जाएगी। तो ये तो रहा इसका पूरा कैलकुलेशन, मैंने आपको तसल्ली से समझाया। अगर मान लीजिए यही सवाल आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, यानी मल्टीपल जो आंसर आते हैं, मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं, उनमें अगर आ जाता है तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या आप इतना पूरा कैलकुलेशन करेंगे तब आंसर निकालेंगे? तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, ये कितनी ऊंचाई तक जा रही, गेंद कितनी ऊंचाई से गिरी थी? 10 m से। कितने का लॉस हो गया? 40% का। कितना बचा? 60%। 10 m का आप 60% निकाल लीजिएगा। जब हम 10 m का 60% निकालेंगे कितना आएगा? 6 m। यही हमारा क्या है? यही हमारा होगा आंसर। ये आपको उसके लिए बता रहा हूँ जब आपको क्या करना है, MCQ के लिए आंसर निकालना है, तो फिर आपको ये पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली 10 m ऊंचाई से गिरी है गेंद, 40% का लॉस हो गया है, 60% बची है, ऊंचाई का 60% निकाल लीजिएगा, उतनी ही ऊंचाई तक गेंद जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो आपको पूरा ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अगला जो न्यूमेरिकल है वो है, 4 kg का एक पिंड पृथ्वी तल से 30 m/s के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ज्ञात करो। क्या क्या हमें ज्ञात करना है? पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, फिर क्या पता करना है, 1 s के बाद पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा पार्ट है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। देखिए आप लोग थोड़ा थ्योरी पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि यदि आपने थ्योरी को अच्छे से नहीं समझा हुआ है, अगर उसके जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर नहीं है, तो आप यकीन मानिए न्यूमेरिकल में आप कभी भी पारंगत नहीं हो सकते। न्यूमेरिकल यदि आपको अच्छे से सीखना है तो उसके लिए आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो इस सवाल में हो क्या रहा है, इस सवाल में देखिए हो क्या रहा है, बोल रहे हैं कि मान लीजिएगा एक पिंड है, ये एक पिंड है, ठीक है ना, और इस पिंड को क्या किया, यू वेग से ऊपर की ओर फेंका। तो जब इसको हमने यू वेग से ऊपर की ओर फेंका है तो उस समय इसमें केवल क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि ये जो पिंड है वो अभी पृथ्वी की सतह पर है, तो पृथ्वी की सतह से इसकी जो ऊंचाई होगी h होगी वो 0 होगी, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, एम जी एच, क्या होती है, एम जी एच। तो h कितनी होगी, ये होगी 0। तो जब ये 0 हम रखेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 0। तो सीधी सी बात ये है कि जब ये पिंड पृथ्वी के तल पर है, यानी जब फेंका गया है इनिशियली बिल्कुल, तो उस समय इसमें गतिज ऊर्जा तो है लेकिन स्थितिज ऊर्जा 0 है, ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा, जैसे जैसे ये पिंड हमारा ऊपर जाएगा इसका जो वेग है वो कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी दिशा होती है हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो ये जो त्वरण है ना वो इसके वेग के अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है। तो वेग को बजाय बढ़ाने के ये घटाएगा, यानी ये मंदन का काम करेगा। तो वेग जैसे जैसे कम होता जाएगा इसकी गतिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। कौन सी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा होती है एम जी एच। ये पिंड लगातार ऊपर जाएगा यानी एच बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो एम जी एच बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा घटेगी। याद करिए मैंने आपको एक बताया था थ्योरी में,
यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो होता क्या है कि अगर गतिज ऊर्जा घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा ऑटोमेटिकली इतनी बढ़ेगी कि उनका जो योग है वो हमेशा नियत रहता है। ये हमने आपको डेरिवेशन भी कराया हुआ है। तो आप समझ लीजिए, जैसे जैसे पिंड ऊपर जाएगा गतिज ऊर्जा कम होगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन अगर हम गतिज ऊर्जा को और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे, उनका हम योग निकालेंगे, तो वो हमेशा नियत आएगा। यानी कि जितनी गतिज ऊर्जा नीचे होगी वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के तल पर स्थितिज ऊर्जा है जीरो। चलिए लिखे देता हूँ, यांत्रिक ऊर्जा ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए पृथ्वी के तल पर क्या होगा, पृथ्वी के तल पे ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो जीरो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होगी वो सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगी? गतिज ऊर्जा के। ठीक, अब क्या होगा, ये जो यांत्रिक ऊर्जा है ये हमेशा नियत रहती है, ठीक है ना। तो जितनी भी गतिज ऊर्जा होगी पृथ्वी के तल पे वही यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। अब मान लीजिए होता क्या है कि एक सेकंड के बाद ये पिंड यहाँ आ जाता है, पूछा है ना, एक सेकंड के बाद, तो एक सेकंड के बाद यहाँ आ जाता है, तो अब क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा कुछ कम हुई होगी और स्थितिज ऊर्जा कुछ बढ़ी होगी, लेकिन उनका जो टोटल होगा, टोटल यानी यांत्रिक ऊर्जा, वो तो नियत ही रहेगा। अब क्या होगा, ये पिंड लगातार ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो क्या होगा, इसका उच्चतम बिंदु होगा, यानी उससे अधिक ऊंचाई पर ये पिंड नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे इस पिंड का वेग हो जाएगा शून्य, और वेग शून्य होगा तो गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी। तो उस समय इसमें सिर्फ कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो उच्चतम बिंदु पर जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वो सीधे सीधे स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, और निम्नतम बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। यानी ये गतिज ऊर्जा जितनी आपकी है पृथ्वी के तल पर, इतनी ही उच्चतम बिंदु पर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। चलिए तो एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी, किसके बराबर होती है, 1/2 mv² 1/2 m, इनकी द्रव्यमान कितना है 4 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 4, वी स्क्वायर, वी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 का स्क्वायर, और ऊर्जा का मात्रक होता क्या है, जूल। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा 2 × 4 यानी 1800 जूल, 1800 जूल। तो जब इसको हमने फेंका है उस समय जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, 1800 जूल के बराबर। अब एक सेकंड के बाद कितनी गतिज ऊर्जा होगी, तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, एक सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होगा, तो देखिए हम इसमें कौन सा समीकरण लगाएंगे, v बराबर u माइनस gt। देखिए u क्या है, प्रारंभिक वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और इसकी दिशा कहाँ है, नीचे की ओर, पिंड कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, लिहाजा माइनस में आएगा, इंटू में टी। तो v बराबर u कितना दिया हमें, 30 मीटर पर सेकंड, माइनस g की वैल्यू 10 इंटू टी कितना, 1 सेकंड के बाद। तो ये आपका हो जाएगा 30 माइनस 10 यानी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए वेग पहले से कम हो गया, यानी गतिज ऊर्जा कम होगी, कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा। तो अब गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अब पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी,
फिर से लगाएंगे फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ एम फोर इंटू वी कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर मात्रक क्या होगा जूल, तो ये आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 800 जूल। तो देखिएगा हमें यह पता चल गया शुरू में गतिज ऊर्जा कितनी थी 1800 जूल थी, एक सेकंड के बाद गतिज ऊर्जा कितनी रह गई 800 जूल घट गई है, कितनी 1000 जूल के बराबर, ये 1000 जूल क्या होगी स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसलिए स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1800 माइनस 800 जूल, यानी कितनी 1000 जूल। ये हमने कैसे कर दिया, तो देखिए लोएस्ट पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पर क्या होगा, जो गतिज ऊर्जा होगी वो सीधे सीधे यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगी जो नियत रहती है, तो यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1800 जूल। एक सेकंड के बाद भी यांत्रिक ऊर्जा इतनी ही होगी लेकिन उस समय गतिज ऊर्जा कितनी है 800 जूल, तो 1800 में से 800 माइनस कर देंगे 1000 जूल हमें क्या मिल जाएगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की तो इसको आप अपने आप समझ लीजिएगा, अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा पिंड की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो किसके बराबर होगी निम्नतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, यानी कितनी हो जाएगी 1800 जूल। क्यों, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। देखिए अगला न्यूमेरिकल क्या है, 360 किलोमीटर पर आवर के एक समान वेग से उड़ते हुए वायुयान का 1000 किलोवाट वाला इंजन उड़ान के लिए कितना बल लगा रहा है, मतलब एक जहाज है ठीक है, और वो जो जहाज है वो कितने वेग से उड़ रहा है 360 किलोमीटर पर आवर, इतने वेग से ये उड़ रहा है इंजन। ठीक है, तो अगर वो इतने वेग से उड़ रहा होगा तो इसके लिए निश्चित रूप से उसका इंजन क्या लगा रहा होगा, बल लगा रहा होगा। तो यही पूछ रहे हैं कि इंजन कितना बल लगा रहा है, जबकि जो इंजन की पावर है जो उसकी सामर्थ्य है वो है 1000 किलो वाट। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए जो वायुयान का वेग है इस समय वो कितना है, वायुयान का वेग यानी वी कितना दिया गया है 360 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर जो सामर्थ्य का मात्रक है वो वाट में है और ये जो मात्रक है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्या हमने बताया था आपको कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें 5/18 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से ही आपका हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ये 18 से ये आप डिवाइड करेंगे 20, 25 या 100, तो इस तरह से वायुयान का जो वेग है वो हमें पता चल गया 100 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना, तो ये वेग पता चल गया। पावर कितनी है, यानी वायुयान की जो इंजन की सामर्थ्य है, वायुयान के इंजन की सामर्थ्य यानी पी कितनी है 1000 किलो वाट। तो देखिए 1000 तो ये हो गया 10 to the power 3, किलो का मतलब अपने आप में होता है वह 10 to the power 3, किलो माने 1000 होता है यानी वाट, यानी कितना हो गया ये 10 to the power 6 वाट, ठीक है ना, 1000 10 to the power 3, किलो का मतलब खुद में होता है 1000 यानी 10 to the power 3 वाट, तो 10 to the power 3 into 10 to the power 3 हो जाएगा 10 to the power 6 वाट, तो ये पी मिल गया। पी पता वी पता, क्या निकालना है वन। देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था हमने, पी बराबर होता है एफ मल्टीप्लाइड बाई वी, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो शक्ति या सामर्थ्य होती है वो बराबर होता है किसके, एफ मल्टीप्लाइड बाई वी यानी बल गुणा वेग के बराबर होता है। कैसे आता फॉर्मूला एक बार आप देख लीजिए, देखिए पी बराबर होता है W डिवाइडेड बाई T, W होता है बल गुणा विस्थापन बाई T, तो ये हो गया बल और विस्थापन बटे समयांतराल होता है वेग, तो यहाँ से हमारा निकल आता है P इक्वल्स टू F इंटू V। तो इस फॉर्मूले से अगर हम देखेंगे हमें निकालना क्या है F,
तो F बराबर हो जाएगा P अपॉन V। P कितना है 10 to the power 6 और V कितना है 100। 100 का मतलब 10 to the power 2, इसको हम 10 to the power 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा ये 10 to the power 4 मात्र क्या होगा न्यूटन, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो P equals to F into V, इस फॉर्मूले से F equals to हो जाएगा P divided by V। P हमें दिया गया है, V हमें दिया गया है, सारे वैल्यूज रख दो, कैलकुलेशन हो गया, ठीक आंसर आ गया। तो सिंपल सा सवाल था, ठीक है। क्या अगला न्यूमेरिकल ये है, 100 किलोवाट सामर्थ्य वाले इंजन द्वारा 500 किलोग्राम के द्रव्यमान को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसमें लगे समय का परिकलन कीजिए, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें लेना है 10 m/s², ये हमें दिया गया है। देखिए हो क्या रहा है, एक इंजन है, ठीक है ना, इंजन है, वो क्या करता है, ये मान लीजिए एक आपका पिंड है और इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो कितना है 500 kg। अब वो इंजन क्या करता है, इस पिंड को ऊपर ले जाता है, वो कितना ऊपर ले जाता है, ये ले जाता है 50 मीटर की ऊंचाई तक, इस पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक ये इंजन ले जाता है, ठीक है। तो देखिए ये 500 किलोग्राम का जो द्रव्यमान है इसका भार कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर, और ये इंजन इसको कहाँ ले जा रहा है, ऊपर की ओर, यानी इस भार के विरुद्ध, भार क्या है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ना उसके विरुद्ध इंजन को कार्य करना पड़ेगा। कितना क्या होता है कार्य बराबर, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल कितना लगाना पड़ेगा इस पिंड के भार के बराबर, विस्थापन कितना है 50 मीटर। यानी सीधी सी बात सुनो, क्या कि अगर M द्रव्यमान का कोई पिंड है और इसे H ऊंचाई तक ले जाना है तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, MgH, इतना कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य होता है इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, हम पहले भी कई बार समझा चुके हैं। अब ये जो इंजन है ना, जब इसको नीचे से ऊपर ले जाएगा तो इस प्रक्रिया में कुछ टाइम लगा होगा, तो वो टाइम कितना लगा होगा वही हमसे पूछा गया है, जबकि हमें ये पता है कि जो इंजन की सामर्थ्य है वो कितनी है 100 kW। तो देखिए हम इसको लगाएंगे कैसे, इंजन की सामर्थ्य कितनी है, पी कितनी है 100 kW, 100 मतलब 10^2 हो जाएगा 10^2, और किलो का मतलब होता है 10^3 1000, और वाट तो ये आपके हो गया 10^5 W। ये 2 पावर है, ये 3 पावर है, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया 10^5 W, ये सामर्थ्य हो गई, ठीक है। अब इंजन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, इंजन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो हमने आपको बताया कितना कार्य करना पड़ेगा, MgH, M कितना है 500 किलोग्राम, G कितना है 10, H कितना है 50 मीटर, 50 मीटर कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 250,000 joule, 250,000 joule, इतना कार्य इंजन द्वारा किया जाएगा। अब इस कार्य को करने में कुछ समय लगा होगा, मान लीजिए टी समय लगा है, तो हम सब जानते हैं कि पावर जो होती है पी वो होती है कार्य करने की दर, यानी पी बराबर होता है W/T। तो अगर हम इस फॉर्मूले से टी की वैल्यू देखें तो टी बराबर क्या होगा, टी इधर जाएगा पी नीचे आएगा, W/P, डब्लू कितना है 250,000 / पी कितना है 10^5, यानी कि 1,00,000, 1,00,000। तो क्या होगा यहाँ से, ये 30 कैंसिल कर दो, तो ये आपका आ जाएगा कितना 2.5 सेकेंड, कितना आ जाएगा 2.5 सेकेंड, यानी 2.5 सेकेंड में ये इंजन जो है इसको उठा लेगा। अगला न्यूमेरिकल क्या है, अगला न्यूमेरिकल है 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति है उसका द्रव्यमान कितना है, जो उस व्यक्ति का द्रव्यमान है वो है 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, ठीक है ना।
तो ये तो हो गया उसका द्रव्यमान, और इस द्रव्यमान के कारण पृथ्वी उसे जब अपनी ओर खींचेगी यानी जो गुरुत्व बल लगाएगी वो कितना होगा, वो होगा 60 किलोग्राम भार, कहाँ, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इस दिशा में। ठीक, ये व्यक्ति क्या करता है, 30 सीढ़ियाँ चढ़ता है। कितनी सीढ़ियाँ, 30 सीढ़ियाँ चढ़ता है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी ये चीज, ये चीज, ये जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई सीढ़ी की, जैसे ये सीढ़ी है आपकी, ये तो ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। आपको ये दूरी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, क्योंकि जब ये व्यक्ति इस दिशा में चलेगा तो विस्थापन की दिशा ये होगी, और जो व्यक्ति का भार है वो कहाँ होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, दोनों कैसे हो जाएंगे, लंबवत। तो जब बल और विस्थापन दोनों लंबवत होते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। यानी ये जो व्यक्ति है जब ये सीढ़ी को ऊपर की ओर चढ़ेगा तब तो ये व्यक्ति कार्य करेगा, जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो ये कोई कार्य नहीं करेगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये कितनी ऊंचाई चढ़ेगा। तो देखिए, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, सीढ़ियाँ कितनी हैं, 30, तो ये कुल ऊंचाई जो चढ़ेगा वो कितनी होगी, कुल ऊंचाई अगर हम एच मान लें तो कितनी होगी, 30 सीढ़ी हैं और हर सीढ़ी कितने की है, 20 सेंटीमीटर की, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बना लेंगे तो 600 में 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 मीटर। तो ये कितनी ऊंचाई चढ़ेगा, 6 मीटर के बराबर, और इसका द्रव्यमान कितना है, 60 किलोग्राम। तो कितना कार्य करेगा, MgH, कितना कार्य करेगा, MgH। तो हम लिखेंगे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, W बराबर MgH, M कितना है, 60 kg, G 10 दिया हुआ है, H 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3600 जूल। यानी इतना कार्य ये व्यक्ति इन सीढ़ियों को चढ़ने में करेगा। ये सीढ़ियाँ वो चढ़ कितनी देर में गया, मात्र 20 सेकंड में। यानी जो समय है वो हमें कितना दिया गया है, इस कार्य को करने में जो समय लगा वो कितना दिया गया, 20 सेकंड। 20 सेकंड में उसने ये सीढ़ियाँ चढ़नी, तो 20 सेकंड में जो किया गया कार्य है वो 3600 जूल है। तो हमें क्या निकालनी है, सामर्थ्य। और हम सब जानते हैं कि जो सामर्थ्य होती है वो होती है कार्य करने की दर। सामर्थ्य P बराबर होता है W डिवाइडेड बाई T। W कितना है, 3600 जूल, डिवाइडेड बाई T, T कितना है, 20 सेकंड। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 180 वाट, 180 वाट, ठीक ना। तो 180 वाट जो है वो इस व्यक्ति की सामर्थ्य होगी, और इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 3600 जूल होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो आज के सेशन में हम इतने ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कार और ऊर्जा के लिए एक आध सेशन और ले लेंगे, अदरवाइज एक आध दो न्यूमेरिकल ही हैं जो मैं कभी भी किसी भी सेशन में बता दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो थ्योरी की क्लास, जो थ्योरी रह गई आपकी ध्वनि वाले चैप्टर की, उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। उसके बाद ध्वनि वाले चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल होंगे वो, और पीछे जो भी हमें लगेंगे बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझ में आएंगे वो हम सॉल्व करा देंगे। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट कीजिएगा या ग्रुप में ज्वाइन करके अपना क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। बाद बाकी यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें, लोगों को शेयर करें स्टूडेंट्स को, और मेरा सपोर्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं कल।